गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल F4। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा नया घर। नया मीन्स ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं अपने घर से थोड़े विलेज की तरफ शिफ्ट हुई हूँ हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो इस घर में अभी मैं रेंट पर हूँ, आए हुए सिर्फ मुझे 3 दिन हुए हैं और इस घर के अकॉर्डिंग मेरे पास उतना सामान भी नहीं है, ज़रूरत के जितना सामान मैं अपने घर से लाई हूँ, क्योंकि वहाँ भी जब जाऊँगी तो मुझे रहना पड़ेगा, इसलिए वहाँ का ज़्यादातर सामान मैं यहाँ नहीं लाई हूँ। वहीं पर ही सब फर्निश किया हुआ है और यहाँ इस घर के अकॉर्डिंग मैं बाद में धीरे धीरे सामान खरीदूँगी। तो देखते हैं ये घर कैसा है। ओके, तो यहीं से ही मेरे घर के एंट्री होती है। ये घर के पीछे की तरफ है, जो लैंडलॉर्ड है उनका सामने की तरफ एंट्रेंस है, तो मेरे लिए एक दूसरा गेट है जो पीछे की तरफ से आता है, मेरा एंट्रेंस अलग है। तो यहाँ पर एक आंगन है पीछे की तरफ, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप आती है जो मुझे बहुत पसंद आई, और यहाँ एक कुआं भी है। और आंगन से आते हुए ये है मेरे घर का एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद ही ये है पहले डाइनिंग स्पेस। अभी मेरे पास उतना सामान है नहीं और अभी ठीक से मैंने सेट भी नहीं किया है जितना भी सामान है उसे, ज़रूरत के जितना सामान अभी मैंने सेट किया है। और डाइनिंग स्पेस के बाद ये है मेरा किचन, और किचन में भी उतना ही सामान है जो मुझे अभी लग रहा है काम पर। अभी ये देखिए, गैस वैस मैंने नहीं निकाला है, या अभी मैं इंडक्शन पर कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिलेंडर नहीं है, मुझे यहाँ पर बुकिंग करानी पड़ेगी नई तरह से। और डाइनिंग स्पेस से जाते हुए अंदर की तरफ ये है बेडरूम, जहाँ पर बेड शिफ्ट किया हुआ है मैंने। इस घर में और भी मुझे सामान रखना है, क्योंकि सिर्फ बेड रखने से ये घर पूरा एंगेज हो रहा है, तो यहाँ थोड़ी सेटिंग्स मुझे चेंज करनी है। और हर रूम में इस तरह के सेल्फ बने हुए हैं जो मुझे बहुत काम आएंगे। और इस घर से निकलते हुए ये है फ्रंट की तरफ, मेरे घर का ये फ्रंट है। यहाँ पर एक बेल्कनी है, छोटी सी बेल्कनी। और बेल्कनी के बाद इस घर से जाते हुए ये देखिए कितना उजाला आता है घर में, हर वक्त यहाँ पर उजाला है और बहुत अच्छी धूप भी आती है। तो जहाँ पे हम लोग रहे सभी के लिए ही घर में उजाला, हवा, धूप आना बहुत ज़रूरी है, खुला रहना, घर का खुला मेला रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है और एक बेडरूम, जहाँ पर अभी ये कबाड़ी खाना बना हुआ है। ये मेरी गद्दी है एक, इसे भी मुझे काम लगाना है। यहाँ से थोड़ा सामान जब मैं एडजस्ट करूँगी, ये जगह थोड़ी जब खाली होगी तब यहाँ पर मैं एक बिस्तर और डालूँगी गेस्ट के लिए। तो ये था मेरा नया होम टूर। प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये घर कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा विलेज है, विलेज के मुताबिक है कि ये घर मुझे अच्छा लगा। और थोड़े दिनों के बाद फेस्टिवल्स हैं, तो आप सभी आपके फैमिली के साथ फेस्टिवल्स इंजॉय कीजिए घर पे ही। मैं भी अपने घर वापस जाऊंगी 3-4 दिन बाद ही, फैमिली के साथ ही मैं भी घर पे ही अपना फेस्टिवल्स सब पूरा करूंगी, उनके साथ समय बिताऊंगी बहुत सारा। और उसके बाद मैं वापस जब आऊंगी धीरे धीरे डेकोरेशन करूंगी घर को, और डेकोरेशन के बाद घर कैसा लगता है वो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।